हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना युवराज ठाकुर, मैं आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो ये आज की वीडियो में हम कोई डॉग सेल नहीं कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो है हमारी डॉग मैटिंग की, जो कि एक लैब्राडोर मेल एंड फीमेल की मैटिंग वीडियो है। यस, तो जो लैब्राडोर मेल एंड फीमेल है, मेल हमारा घर का अपना है, इसका नाम नवाब है। मैंने यूट्यूब पर उसकी और वीडियो अपलोड कर रखी है। जो फीमेल है वो भी हमारी घर की अपनी है। यस, हमारी खुद की ब्रीडिंग की वो फीमेल है, इसका नाम स्वीटी है। यस, दोनों कलर की बात करते हैं तो दोनों का गोल्डन कलर है एंड अच्छी क्वालिटी में मेल एंड फीमेल है, जिसको हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। इन दोनों को आपको रूबरू कराएंगे वीडियो में। एंड बात करते हैं हम फीमेल की, तो फीमेल हमारी हीट पाई हुई, आज इसको दिन हुए हैं 10 दिन। यस, तो आज हम इसकी मैटिंग कराएंगे। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि फीमेल मैटिंग के लिए रेडी होती है तो हम उसे कैसे पहचानें। यस, तो अगर आप कभी भी अपनी फीमेल को वॉक पे ले जाते हो मॉर्निंग में या शाम को, तो जब वो फीमेल टॉयलेट करती है तो टॉयलेट में उसके वहाँ से ब्लड आता है। यस, आपने सीधे ना बगीना में से फीमेल ब्लड डालती है, जो कि ब्लड होता है रेड कलर का। तो आप उस दिन को याद रखें कि किस दिन उस फीमेल ने, आपकी फीमेल ने ब्लड दिया है, उस दिन को आप काउंट करके पूरे 10 दिन या 11 दिन पे उस फीमेल को आप मैट करा सकते हो अपने आस पड़ोस के किसी भी लैब्रा मेल से। यस, तो बात करते हैं अगर, हाँ सबसे पहली बात कि अगर आपकी फीमेल गोल्डन कलर की है तो आप सोचते हो कि हम ब्लैक मेल से करा सकते हैं, तो ब्लैक मेल से कराओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। गोल्डन कलर से भी करा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यस, बच्चे एकदम अच्छी क्वालिटी के आएंगे। बात करते हैं मेल की, तो मेल की हमारी एज है, इस वक्त 17 महीने का बच्चा है हमारा मेल, जिसका नाम नवाब है, जिसकी मैंने और भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो स्वीटी है उसकी आज पहली वीडियो अपलोड होगी, एंड उसने, हमारी फीमेल ने 2 टाइम डिलीवरी दे चुकी है, वो 2 बार बच्चे दे चुकी है, वो सेकेंड थर्ड मैटिंग पे आ रही है। यस, तो आपको दिखाते हैं अपने लैब्राडोर मेल एंड फीमेल। बात करते हैं हम मैटिंग की, तो मैटिंग के जिस टाइम आप मैटिंग करा रहे हो तो उस टाइम प्लीज़ अपनी सिक्योरिटी के लिए फीमेल का जो ओनर होता है, जैसे कि ओनर के सामने फीमेल ज़्यादा भौंकती नहीं है, ज़्यादा किसी से अटैक नहीं करती, तो मैटिंग के टाइम जो मेल का ओनर होगा वो भी होना चाहिए, जो फीमेल का ओनर हो वो भी होना चाहिए। क्योंकि जो अगर ओनर सामने होते हैं तो ओनर के आगे वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं करते, तो जो हमारी फीमेल है वो हमारी खुद की घर की फीमेल है, तो इसलिए उसका ओनर तो मैं ही हूँ, एंड जो मेल है वो भी हमारा खुद का ही है। तो आपको दिखाते हैं मैटिंग वीडियो, मिलते हैं आपसे मैटिंग के टाइम पे। तो हेलो एवरीवन, ये है मेरा खुद का ब्रीड का मेल है। यस, इसका नाम नवाब है। आप उसकी हेड देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, क्वालिटी को आप देख सकते हैं, कितना प्यारा बच्चा है। हाइट और वेट देख सकते हैं। नवाब यहाँ बड़ा, यहाँ नवाब लो, खड़े हो, खड़ा आजा, चलो। यस, आप देख सकते हैं इसमें, आप इतनी अच्छी क्वालिटी का मेल है हमारा, जो कि इसकी मैटिंग आज हम कराने वाले हैं। तो हमारे ये घर के मेल एंड फीमेल है दोनों। नवाब, नवाब ले, हेलो, देखिए कितना समझदार मेल है हमारा, बैठ जा। ओके, तो बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। तो इसकी एज है 17 महीने की है एज है इसकी, और इसने अभी तक हमारी 5 या 6 फीमेल मैट कर चुकी है, एंड जो कि अब हमारी खुद की फीमेल है, आज वो उसकी 7वीं मैटिंग है। यस, तो 7वीं मैटिंग वैसे तो और फीमेल कर रखी हैं 6, बट जो हमारी खुद की फीमेल है उसकी आज फर्स्ट मैटिंग है। यस, डे है 16 तारीख, 7वां महीना 2021। यस, तो आज हम बात दिखाते हैं आपको अपनी फीमेल। यस, तो गाइज अभी हमने आपको अपने मेल से रूबरू कराया था, जिसका नाम नवाब है। यस, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का बच्चा है। बात करते हैं हम मैटिंग के टाइम के, तो मैटिंग के टाइम पे अगर हम फीमेल को ऊपर ना, हमें फीमेल का जो मुंह होता है उसके ऊपर हमें मार्क्स लगा के रखना चाहिए, क्योंकि मैटिंग के टाइम में ना फीमेल कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, भौंकने जाती है अपने ओनर पे भी एंड डॉग पे भी भौंकने जाती है। तो हमेशा याद रखें कि फीमेल डॉग के ऊपर ना भौंकने पाए, क्योंकि अगर वो डॉग के ऊपर उसने एक बार अटैक कर दिया तो डॉग का ना मन सट जाता है मेटिंग पे से। तो ध्यान रखें कि वो डॉग के ऊपर कभी ना बार्क करने पाए। और जो लोग लगवाने वाला होता है, जैसे कि हम लोग तो हर किसी को आता नहीं लगवाना, बट हम मैटिंग के टाइम पे लोग वाले को लाते हैं, बट मैं अपने जो जितने भी डॉग हैं मैं अपने खुद का लोग मैं ही लगवाता हूँ। यस, मैटिंग डन करवाने वाला जो बंदा है, उसके सबसे पहली बात उसके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, क्योंकि ग्लव्स अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा काम होता है। एंड फीमेल क्रॉसिंग के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़, क्या क्या प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, तो
हम बेसलिन ले सकते हैं और ग्लव्स ले सकते हैं, और फीमेल के लिए मुंह का मास्क ले सकते हैं या कोई रस्सी। एंड ओनर भी साथ में होना चाहिए फीमेल का, और मेल का भी ओनर साथ में होना चाहिए, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से, कि नए बंदे को देख के डॉग डर जाता है तो वो नए बंदे से न डरे, उनका ओनर उनके साथ होगा तो वो अच्छी तरीके से मेटिंग करवा सकते हैं। तो दिखाते हैं हम आपको अपनी स्वीटी। यस, तो गाइज ये हमारी स्वीटी गोल्डन कलर की लैब्राडोर में फीमेल है, जो कि आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी में है। देखिए आप, आज हमारी फीमेल को 10 दिन हो गए हैं ईट पाए हुए, तो आज हम इसको क्रॉस कराएंगे अपने नवाब से। स्वीटी खड़ो, स्वीटी देखिए अभी आराम कर रही है, थक चुकी है, घुमा के लाया अब तक मेरा भाई। एंड आपको दिखाते हैं अपना दूसरा फैमिली मेंबर जो कि हमारा किट्टी है। यस, ये हमारी मीडियम कोट की जर्मन शेफर्ड है, जिसका नाम किट्टी है। ये भी थोड़े दिनों में मैटिंग की वीडियो जर्मन शेफर्ड की डालेंगे, बट अभी आप हमारी लैब्राडोर मैटिंग की वीडियो देख सकते हैं। देखिए कितने प्यार से आराम कर रही है। गाइस अब हम मैटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए ये हमारी फीमेल है स्वीटी, एंड हमने नवाब भी आ चुका है हमारा। तो देखिए कितना कितना बेचैन हो रहा है हमारा नवाब मैटिंग के लिए स्वीटी को देख के। तो अभी हम इनकी मैटिंग कराते हैं, आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो मैटिंग की। ओके बोलो स्वीटी बोलो, ए स्वीटी मार स्वीटी मार, ए इधर से इधर से बोल बस इधर से लपट्टा दे तो चल ले वीडियो भी। हाँ वीडियो बनाता है तू, यहाँ खड़ा जब वीडियो बनाता है उसको। तो गाइस दे सकते हैं हमने बैटिंग करा था, इसमें हर चीज़ का ध्यान रखा है हमने, ग्लव्स पहन रखे हैं। फीमेल हमारी कुछ ज़्यादा एक्टिव है, तो फीमेल फर्स्ट मैटिंग है, फर्स्ट लोग है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा उसे पेन हो रहा है। तो ये तो पेन तो होता ही है, देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी है फीमेल हमारी, बिल्कुल गोल्डन कलर की। एंड मेल को आप देख सकते हैं कितना शानदार मेल है। तो हमने ग्लव्स, अभी अगर आप भी किसी फीमेल की बैटिंग कराते हैं तो प्लीज़ अपने हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, और फीमेल के लिए ओनर साथ में होने चाहिए। तो हमारा ये भोला है, जो कि बोला हमारी फीमेल को हर टाइम केयर टेकर एक तरीके से बोला ही हमारा, तो ये बोला की बात ज़्यादा मानती है, इसलिए हमने बोला को दिया इसे हैंडल करने के लिए। तो हमारी मैटिंग डन हो चुकी है, अब देखते हैं कि कितने टाइम तक की मैटिंग ये रहेगी, और आपको ऐसे दिखाते हैं पूरी लाइव वीडियो उसकी। तो देखते रहिए आप, ले तू कुत्ता पकड़, ले पकड़ ना बोल पकड़ना आपको। तो गाइस देखिए ये हमारी स्वीटी है, देख सकते हैं आप इतनी अच्छी क्वालिटी में, एंड ये हमारा नवाब है। तो आप देख सकते हैं इतनी अच्छी हमने बैटिंग करवा दी है इनकी डन। थोड़ा सा उधर कर ले, उधर कर ले, उधर उधर खींच ले अपनी तरफ स्वीटी को, नाब खींच ले और खींच, बस देखिए आप देख सकते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी में मेल एंड फीमेल की मैटिंग हो चुकी है डन।
आज तारीख है 16 तारीख, 7वां महीना 2021। 10 दिन बाद हमने मैट कराई है फीमेल अपनी, ये फर्स्ट मीटिंग है। आप मेल और फीमेल की क्वालिटी को देख सकते हैं, कितनी प्यारी क्वालिटी में मेल और फीमेल हमारे। एंड फीमेल के थोड़ा सा पेन हो रहा है, बट पेन तो होता ही है इस काम में। तो देख सकते हैं आप मैटिंग वीडियो, कितनी प्यारी मैटिंग हो चुकी है हमारी, डन। हमारा जो नवाब है उसके हमने बाल क्रॉप रखे हैं, काट रखे हैं। तो ये हमारा जैसे लैब में कई कलर्स होते हैं, ओनली 4 कलर होते हैं, जो कि होता है एक चॉकलेटी, एक ब्लैक एंड एक गोल्डन, जिससे कि डार्क गोल्डन है, और ये हमारा थोड़ा लाइट गोल्डन है जो कि वाइट में आता है। हाँ, तो लैब में 4 कलर होते हैं, एक वाइट, एक ब्लैक, एक गोल्डन और एक चॉकलेट कलर, जो कि आपको मिलेगा। और अगर आपको पपीज़ लेने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल का नाम युवराज ठाकुर डॉग चैनल है, जो कि हम इस पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते रहते हैं। तो ये मैटिंग डन हो चुकी है हमारी, बिल्कुल क्लियरिटी देख सकते हैं। हमारी जर्मन शेपर्ड की जो मीडियम कोट की फीमेल है, वो भी हीट पाने वाली है। अगली वीडियो देखिए, हो सके इसका पैर उठा दे पीछे के दोनों। तो आप जब भी फीमेल का लोग हटता है तो पीछे के दोनों पैर उठा दीजिए। किस तरीके के पैर उठा दे दोनों पीछे के, उठा दे पीछे, उठा दे, उठा ले कुछ नहीं। हाँ, ऐसे करके आप फीमेल के दोनों पैर उठा दीजिए, जिसकी इन दोनों का जो वीर्य होता है वो अंदर जा पाए। तो देखिए मेल भी हमारा पूरा हो चुका है।